हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक डिस्टिलेशन प्रोसेस इन फार्मेसी। आई एम सारिका साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो व्हाट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस? डिस्टिलेशन इज अ फिजिकल मेथड ऑफ असॉर्टिंग मिक्सचर्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट सब्सटेंस। मीन्स अलग अलग नेचर के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के जो लिक्विड्स होते हैं उनको उनके मिक्सचर्स को उनके फिजिकल नेचर के हिसाब से अलग अलग सेपरेट करने के जो प्रोसेस है। इन सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द लिक्विड फ्रॉम वेपर एंड बाय हीटिंग एंड अगेन रिकन्वर्ट द वेपर फ्रॉम वेपर फॉर फ्रॉम लिक्विड एंड कलेक्ट द प्योर लिक्विड डिस्टिलेट्स। So this is a distillation process. Next is, it is one of the most popular technique implemented for purification and separation of mixtures. प्योरीफिकेशन की टेक्निक्स है। मिक्सचर्स को प्योरीफिकेशन किया जाता है और मिक्सचर्स को सेपरेट भी किया जाता है इस टेक्निक से। सो डिस्टिलेशन इज यूज फॉर मैनी कमर्शियल प्रोसेस सच एज प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, डिस्टिल वाटर, ज़ाइलीन एंड अल्कोहल एक्सेट्रा। टाइप ऑफ डिस्टिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट सेटअप देर द फोर टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। सो इन सिंपल डिस्टिलेशन, इन दिस प्रोसेस द लिक्विड आर सेपरेटेड बाई इवेपोरेटिंग एंड कैप्चर्ड देम वेरियस पॉइंट्स ऑफ कूलिंग साइकिल। इस प्रोसेस में जो लिक्विड है उसको हीट किया जाता है, देन जब स्टार्ट होने लगता है वेपर आर कमिंग गेट इन कंडेंसर एंड कलेक्ट द डिस्टिलेट्स। सी इन डायग्राम। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स इज यूज्ड टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस नियरली सिमिलर और डिफर बाय 77 डिग्री फारेनहाइट। So, which cannot be separated by simple distillation. So, in scene diagram, fractionating column हम use करते हैं और अलग अलग different boiling points की जो substance होते हैं, liquids होते हैं, वो अपने boiling point के हिसाब से separate होना start होते हैं और जैसे ही vapor ऊपर आने लगता है और फिर वो condenser के through collect होना start हो जाते हैं। Next is steam distillation. Steam distillation is used for the purification of mixtures in which the components are temperature or heat sensitive material. For example, organic substance. इसमें उन liquids का separation किया जाता है जो thermolevile nature की हों, जो heat sensitive हों। इसमें two immiscible liquid लिया जाता है जो एक दूसरे में mix नहीं होते हैं। और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, सपोज़ वाटर एंड नाइट्रोबेंजीन। सो वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉयल होने स्टार्ट हो जाता है और 160 डिग्री टेम्परेचर में नाइट्रोबेंजीन। सो दिस इज़ और इस सिस्टम के लिए हमें अलग से स्टीम प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट हम हीट कर नहीं सकते, वरना ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है वो डीनेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ वैक्यूम डिस्टिलेशन। So in vacuum distillation is a simple special method of separating compounds at pressure lower than the standard atmospheric pressure. इसमें हम ऐसे liquids को लेते हैं, ऐसे fluids को लेते हैं जो बहुत ही कम lower boiling point होता है जिनका, और उनको बहुत ही vacuum distillation is best suitable for separation of compound with higher boiling points, जिनका boiling point बहुत ही higher होता है और जो low boiling point के nature होते हैं उन दोनों के लिए vacuum के through जो vapors provide बनते हैं उन्हें खींच लिया जाता है, vapors के जो इस vacuum के through उन्हें separate कर लिया जाता है और collect कर लिया जाता है distillate में। सी इन अ डायग्राम। वैक्यूम सक्शन के थ्रू बाहर निकाला जाता है डिस्टिलेट को। थैंक यू।